खबर गोड्डा और आसपास। गोड्डा में आदिवासी छत्रा से गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में एक आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक वाई एस रमेश ने बुधवार को बताया कि घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर पुलिस ने जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के नईम साई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार की देर रात शाम जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र की है। छात्रा अपने मित्र साथी के साथ कहीं जा रही थी। इस बीच दो तीन मनचले युवकों ने छात्रा के मित्र को मारपीट कर भगा दिया और उसका मोबाइल फोन पत्थर में पटक कर फोड़ दिया। इसके बाद युवकों ने छात्रों को नुकसान जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गोड्डा से ग्वालियर स्कूटी से गए थे। फ्लाइट से रांची लौटे धनंजय और सोनी। मददगारों को कहा धन्यवाद। बुधवार को जब गोड्डा के रहने वाले धनंजय हांसदा अपनी पत्नी सोनी हेम्ब्रम के साथ रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। अपने संघर्ष की बदौलत साधारण से सेलिब्रिटी बने इस दंपति ने रांची लौटने के बाद मददगारों को धन्यवाद दिया, साथ ही मीडिया के साथ अपनी पूरी कहानी साझा की। धनंजय ने बताया कि वे खुद भले ही 8वीं कक्षा तक की पढ़े हैं लेकिन जीवन में शिक्षा का महत्व समझते हैं। गोड्डा से ग्वालियर तक दोपहिया वाहन से सफर करने के पीछे उन्होंने कहा कि कोरोना में आर्थिक तंगी के वजह से प्राइवेट गाड़ी करना संभव नहीं था। PWD की सड़कों की है खस्ता हालत, मरम्मत को लेकर सरकार उदासीन। हेमंत सरकार के कार्यकाल में बीते 9 माह से सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य नहीं हुए हैं। NH सड़क के अलावा जिले में PWD की सड़कें थी खस्ता हाल में है। शेड्यूल रेट की स्वीकृति नहीं मिलने के पथ निर्माण विभाग PWD और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रमंडल की ओर से यहां सड़क मरम्मत नहीं हो रही है। पूर्ववर्ती सरकार में जितने भी टेंडर हुए थे उसमें ठेकेदार अब एग्रीमेंट करने का भी राजी नहीं है। गोड्डा विधायक अमित मंडल की माने तो गोड्डा के सरोतिया से बेलतीरी तक 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क का टेंडर बीते वर्ष ही हुआ है। करीब 13 करोड़ रुपए की उक्त योजना से ठेकेदार भी तय हो गए लेकिन सरकार की मंशा भांप कर एग्रीमेंट से पीछे हट रहे हैं। कोरोना हाल में DMFT को छोड़कर किसी भी मत को कोषागार से भुगतान का आदेश सरकार ने नहीं दिया है। ऐसे में ठेकेदार को लग रहा है कि वह एग्रीमेंट कर कहीं फंस न जाए। एक दिव्यांग मैकेनिक पर भगवान विश्वकर्मा का है हाथ। रेलवे दुर्घटना में दोनों पैर गंवाने के बाद भी तार ने किसी पर बोझ बनना स्वीकार नहीं किया। पैर गंवाने के बाद इतने मन में आत्मविश्वास पैदा किया कि निश्चय किया है कि मैं काम करूंगा कि दोनों पैर वाले भी आश्चर्यचकित होंगे। उन्होंने मन ही मन में जनरेटर पंप सेट रिपेयरिंग करने का निश्चय किया। पहले तो लगा कि अगर इसे ठीक भी कर दिया जाए तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाऊँगा, कैसे बड़े बड़े नट बोल्ट खोल पाऊंगा। कभी हिम्मत जवाब दे देता लेकिन बुलंद हौसले के कारण सब ठीक होता चला गया। आज तारनी प्रसाद मंडल गोड्डा ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना प्रमंडल में जनरेटर डीजल पंपिंग सेट इंजन के विख्यात मिस्त्री हैं। जब बड़े बड़े माहिर मिस्त्री बिगड़े इंजन को सुधार नहीं पाते तब एक बार लोग तारनी को जरूर आजमाते हैं। शहरी फीडर 1 में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चौपट। बिजली विभाग के अधिकारियों की अकर्मता और कर्मियों के मनमाने रवैये के कारण शहरी फीडर 1 में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है जिसके कारण लोगों को उमस व भीषण गर्मी से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लचर व्यवस्था ने फीडर 1 में कुछ साल पूर्व आधुनिकीकरण के काम का पोल खोलकर कर दी है। शहरी फीडर 1 के अधिकांश हिस्से में मंगलवार की रात से बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। आलम यह है कि बुधवार को पूरे दिन 12 घंटा में 1 से 2 घंटा ही बिजली लोगों को मिल पाई जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन उसकी कोई परवाह बिजली विभाग के अधिकारी को नहीं है। फूलो झानो सक्षम आजीविका के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत। जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड स्थित पोशाक उत्पादन केंद्र का निरीक्षण बुधवार को DC भोर सिंह यादव ने किया। DC के साथ DDC अंजलि यादव भी थी। बता दें कि सुंदर पहाड़ी में फूलो जानो सक्षम आजीविका सखी मंडल द्वारा स्वेटर एवं स्कूली पोशाक उत्पादन केंद्र संचालित किया जा रहा है। उपायुक्त और उप विकास आयुक्त निरीक्षण के क्रम में महिलाओं से मिलकर उनकी आय तथा काम से संबंधित जानकारी ली।
उप विकास आयुक्त ने भी स्वेटर उत्पादन मशीन का निरीक्षण कर वस्त्र भंडारण और महिलाओं की आय को लेकर जानकारी ली। फूलों जानो सखी मंडल से जुड़ी कविता देवी ने उपायुक्त को बताया कि उन्हें समय से काम का भुगतान मिलता है और सखी मंडल से जुड़कर उनकी जिंदगी में बदलाव भी आया है। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि इस काम में और अधिक महिलाओं को जोड़ने की आवश्यकता है, साथ ही एक बृहद प्लान बनाकर उसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करने की जरूरत है। बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए ऋण दे बैंक। महागावा प्रखंड सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव ने प्रखंड क्षेत्र के सभी बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ एक बैठक कर प्रवासी मजदूरों को ऋण उपलब्ध कराने को लेकर बैंक वार समीक्षा की। इस दौरान SDO ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री EGP योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। सभी शाखा प्रबंधकों को ऋण स्वीकृति करने का निर्देश दिया गया। बेरोजगार युवकों और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बैंक से ऋण दिया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। अयोग्य लाभुकों को कार्ड रद्द कराने का अल्टीमेट तैयार। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्व वित्त प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में अयोग्य कार्ड धारकों को 3 दिनों के अंदर कार्ड रद्द कराने का अल्टीमेट दिया है। झारखंड लचित वन वितरण प्रणाली आदेश 2019 के तहत PHH अंत्योदय राशन कार्ड पात्रता नहीं रखते हैं उन्हें तत्काल अपना राशन कार्ड विभाग को सरेंडर कर देना है। कहा कि वैसे परिवार तो भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद या अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि, नगर निगम, नगर पार्षद, नगर पालिका, न्यास इत्यादि में नियोजित हो अथवा परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यवसायिक कर देते हैं या जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि है, ऐसे परिवार तत्काल राशन कार्ड सरेंडर कर दें। यदि ऐसे परिवार के द्वारा अभी भी PHH अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठाया जा रहा है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कुड़ में बनेंगे 6 पर्यटन स्थल। जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक बुधवार को DC कार्यालय के सभा कक्ष में हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला पर्यटन संवर्धन समिति के अध्यक्ष कुलदीप चौधरी ने की। इसमें जनप्रतिनिधि एवं समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में पर्यटन मद के अंतर्गत स्वीकृति योजनाओं को उपायुक्त द्वारा क्रमवार समीक्षा की गई। इसमें 6 नए स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने पूर्व से संचालित 8 योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। झारखंड आदिम जनजाति गांव की बदले की सूरत, खर्च होंगे 5 करोड़। झारखंड के आदिम जनजाति समुदाय के लोगों व उनके गांव की तस्वीर बदलने की दिशा में सरकार ने योजना बनाई है। इस योजना के तहत सभी आदिम जनजाति परिवार को पक्का मकान देने, पेंशन देने, सर्वांगीण विकास के लिए, जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने, गाँव में मूलभूत सुविधा पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा बहाल शामिल है। राज्य के हर 7 से 8 किलोमीटर की परिधि पर एक हाई स्कूल बनने की निर्णय। झारखंड में +2 उच्च विद्यालयों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हर 7 से 8 किलोमीटर की परिधि पर एक +2 हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर 10,000 की आबादी पर एक +2 हाई स्कूल खोला जाता है। इस संबंध में झारखंड स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने सभी जिले के उपायुक्त, क्षेत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी कर जिला स्थापना समिति से चयनित हाई स्कूल का अनुमोदन करते हुए अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया गया है। खबर है साहेबगंज से। साहेबगंज जिले के राष्ट्रीय उच्च पथ NH-80 के भू अर्जन के रैयतों के भुगतान को लेकर बुधवार को उपायुक्त चित्रंजन कुमार ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक की, जिसमें DC ने बंदरगाह के विस्थापितों से संबंधित भवन निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी को सभी 120 आवास 31 दिसंबर तक हैंड ओवर करने को कहा। DC ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH-80 की चौड़ीकरण अंतर्गत मुआवजा वितरण, सरकारी भूमि का भू हस्तांतरण तथा सृजन किए जाने वाले घंटों के भूमि अधिग्रहण एवं भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण व अन्य परियोजना के भू अर्जन से प्रखंड के अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों की जानकारी ली। सभी अंचलाधिकारियों से
एनएच 80 के निर्माण कार्य में अधिकृत किए गए भूमि रैयतों को मुआवजा भुगतान की जानकारी ली। बताया गया कि मुआवजा के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। समदा स्थित बंदरगाह में आरएनआर पॉलिसी के तहत बन रहे 120 घरों के वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। डीसी ने कहा कि कंपनी भवन निर्माण के दौरान क्वालिटी मटेरियल के समझौते न करें एवं अगर निर्माण के दौरान या उपरांत आवास में किसी भी प्रकार की शिकायत आती है आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। बैठक के दौरान आरएनआर कॉलोनी के दो आवासों की शिफ्टिंग का मामला भी सामने आया है जिन्होंने तत्काल शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। डीसी ने सरकारी भूमि के स्थानांतरण से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि भूमि दस्तावेजों की जांच की जा चुकी है एवं भूमि का स्थानांतरण करने की कार्रवाई की जा रही है। खबर है पाकुड़ से। पाकुड़ में बनेंगे 6 पर्यटन स्थल। जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक बुधवार को डीसी कार्यालय के सभा कक्ष में हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला पर्यटन संवर्धन समिति के अध्यक्ष कुलदीप चौधरी ने की। इसमें जनप्रतिनिधि एवं समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में पर्यटन मद के अंतर्गत स्वीकृति योजनाओं की उपायुक्त द्वारा क्रमवार समीक्षा की गई। इसमें 6 नए स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने पूर्व से संचालित 8 योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली। जिला पर्यटन पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर ने बताया कि स्वीकृति 8 योजनाओं में 7 पर कार्य प्रगति पर है, 1 योजना पर कार्य जल्द शुरू किया जाना है। उपायुक्त ने अविलंब योजना का कार्य शुरू करने को कहा। उपायुक्त ने पाकुड़ जिले में पर्यटन केंद्रों के विकास पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया है। जिला स्तर पर्यटन विकास एवं संवर्धन के लिए गठित समिति की बैठक में सर्वसम्मति से 6 स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव विभाग को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय उद्यान पाकुड़, धनुष पूजा झरना, सिद्धपुर गर्ज जल कुंड पाकुड़िया, जटाधारी बाबा मंदिर राजापाड़ा पाकुड़, मनसा मंदिर तालाब पाकुड़ एवं लीलातरी ग्राम स्थित झरना लिट्टीपाड़ा शामिल है। उपायुक्त ने इस स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय उद्यान स्थित तालाब में वाटर पार्क एवं शिव शीतला मंदिर में एक स्टेज का भी निर्माण कराया जाना चाहिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।